उदाहरण 28। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 ÷ √7 कोष्टक में व दूसरे कोष्टक में 2 ÷ √7 हैं। हल। मूल ज्ञात होने पर बनने वाले द्विघात समीकरण के लिए हमारे पास सूत्र है x^2 ÷ √ मूलों का योग कोष्टक में गुणा x धन मूलों का गुणनफल, बराबर 0 या x^2 ÷ हमारे पास जो दो मूल दिए हुए हैं प्रश्न में, पहला मूल है 2 ÷ √7 पहला मूल, उसी तरह से दूसरा मूल जो है वो है 2 ÷ √7, इसका योग है तो धन और कोष्टक में रखेंगे और कोष्टक के बाहर x धन मूलों का गुणनफल। पहला मूल है 2 ÷ √7, इसे कोष्टक में रखेंगे। दूसरा मूल है 2 ÷ √7 बराबर 0 या x^2 √7 और √7 कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा 2 ÷ 2 = 4। तो इस तरह से हमें 4 और बाहर में है कोष्टक के x, तो 4x और धन, चूंकि हम जानते हैं कि 2 ÷ √7 और 2 ÷ √7 को हम लिख सकते हैं 2 ÷ √7। यहाँ पे हमने सर्वसमिका लगाया है a धन b, a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर 2 ÷ 2 = 4 ऋण √7 ÷ 2 = 7 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके स्थान पर कोष्टक में 2 ÷ √7 और 2 ÷ √7 की जगह हम लिख सकते हैं 4 ÷ 7 = 0 या x^2 √4x और 4 ÷ 7 जो होगा वो हमारा √3 प्राप्त होगा, तो √3 = 0। इस तरह से हमने द्विघात समीकरण ज्ञात किया दिए गए दो मूलों से, जो कि दिए गए दो मूल था हमारा 2 ÷ √7 और दूसरा मूल था 2 ÷ √7। इससे हमने समीकरण ज्ञात किया x^2 √4x √3 = 0। यह इस उदाहरण का हल होगा।